उधर देश भर में सोशल मीडिया के लिए रील बनाने की सनक की वजह से आए दिन उड़ाई जा रही नियम कानूनों की धज्जियों से जुड़ा एक मामला लखनऊ से भी सामने आया। वहां कुछ लड़कों ने अपने एक दोस्त का जन्मदिन मनाने के लिए पूरी की पूरी सड़क को ही जाम कर दिया। लखनऊ में उन लड़कों ने सड़क के बीचों बीच महंगी महंगी गाड़ियां लगाकर उस सड़क को बंद कर दिया और फिर एक कार की छत पर चढ़कर केक काटा और सोशल मीडिया के लिए इसकी कई रील भी बनाई। उन वीडियो में लखनऊ के एकाना स्टेडियम के सामने की सड़क पर कई गाड़ियां नजर आई। उन गाड़ियों ने एक तरह से उस सड़क को बंद कर दिया और उनमें कई गाड़ियों की छतों पर लड़के खड़े नजर आए। दावा किया गया कि वो सब अपने किसी साथी का जन्मदिन मनाने के लिए वहां पहुंचे थे और सोशल मीडिया के लिए रील बनाने की होड़ में उन्होंने इस तरह से पूरी की पूरी सड़क को जैम कर सोशल मीडिया पर अपना रौब दिखाने की कोशिश की। लेकिन उनकी ये कोशिश उन्हीं पर भारी पड़ गई क्योंकि वायरल हो रहे इस वीडियो पर एक्शन ले लिया गया और पुलिस ने वीडियो में दिख रही गाड़ियों के नंबरों के आधार पर उन लड़कों को तलाशना शुरू कर दिया। हालांकि ये पता नहीं चल पाया कि ये घटना कब की है, लेकिन पुलिस ने भरोसा दिया कि वो जल्द ही इन लड़कों को दबोच लेगी। और ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया के लिए रील बनाने की ये सनक सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित हो। चार दिन पहले मध्य प्रदेश से भी ऐसी ही एक हैरान करने वाला एक मामला सामने आया था। एमपी के नर्मदापुरम में तो एक लड़के ने रील बनाते हुए जहर पीने का दावा कर दिया था और वो लड़का उस रील में ये दावा करता हुआ नजर आया था कि कुछ देर में उसकी जान जा सकती है। मेरे घर वालों को बताना, दुकान में बैठ के जहर पी रहा हूं। इस वीडियो के वायरल होने के बाद उसके घर वाले सकते में आ गए थे। आनंद फानंद में वहां पुलिस बुलानी पड़ी थी और फिर पुलिस के सामने उसने माफी मांगते हुए ये कबूल किया था कि वो जिस बोतल को दिखाकर वीडियो बना रहा था उसमें जहर नहीं बल्कि सॉफ्ट ड्रिंक थी। उस लड़के के मुताबिक उसने सिर्फ सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए जहर पीने का झूठ बोला था। और रील के लिए दीवानगी के कुछ ऐसे ही मामले मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य राजस्थान से भी सामने आए। कुछ दिन पहले कोटा से आया एक वीडियो ने तो सोशल मीडिया पर जमकर सुर्खियां बटोरी थी, क्योंकि उस वीडियो में एक लड़की मोटरसाइकिल के आगे की तरफ बैठकर आपत्तिजनक हरकतें करती नजर आई थी। ये वीडियो भयंकर रूप से वायरल हुआ था और फिर पुलिस ने एक्शन लेते हुए उस लड़की और उसके साथी को निशाने पर ले लिया था। इसके बाद उन दोनों लोगों ने पुलिस के सामने ही कान पकड़कर माफी भी मांगी थी। कोई भी ऐसी गलत हरकत ना करे, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई, ऐसा कभी नहीं करेंगे। हालांकि ये राजस्थान से आया अकेला वीडियो नहीं था, वहां से कई ऐसे वीडियो सामने आए जिनमें लड़के लड़कियां कारों की छतों पर खड़े होकर सोशल मीडिया के लिए रील बनवाते दिखाई दिए थे। इनमें एक रील राजस्थान के झालावाड़ से सामने आई थी जिसमें एक लड़का तेज रफ्तार कार की छत पर खड़ा नजर आया था। वहीं अजमेर से आए एक वीडियो में इसी तरह का स्टंट एक लड़की करती दिखाई दी थी। उसने कार के दरवाजे से लटककर अपना वीडियो बनवाया था और साथ ही जश्न मनाते हुए उसी कार पर रखकर पटाखे भी जलाए थे।